एनर्जी एंड इट्स फैक्टर्स और टाइप्स, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। पहले अपन देखेंगे व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एजेंट टू डू द वर्क। वो क्या होती है? किसी भी मशीन आदमी की कैपेसिटी होती है काम करने की। इट्स यूनिट इज जूल, ये जूल में काउंट की जाती है। देन आफ्टर इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये पैदा भी नहीं कर सकते और इसको खत्म भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसका क्या कर सकते हैं अपन, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में रूपांतर कर सकते हैं। इट इज अ ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनादर। तो देखेंगे पढ़ेंगे अपन कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? जो पहले से 100-200 साल से 300 साल से अपन यूज करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है इसको। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब जो अब तक यूज नहीं करते थे, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी के ड्रॉबैक्स की वजह से इसको अपन अभी क्या कर रहे हैं, यूज करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे अपन इसका। पहला कि एनर्जी विच कैन यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ऐसी एनर्जी जो बहुत लॉन्ग पीरियड से अपन यूज कर रहे हैं। एनर्जी विच कैन रिसीव फ्रॉम नेचर कॉन्स्टेंटली, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है जो नेचर से अपने को हमेशा के लिए मिलती रहती है। इसके कोल कन्वेंशनल एनर्जी में हमेशा फॉसिल्स यूज होते हैं। फॉसिल मीन्स कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ऑयल्स। ठीक है, देन आफ्टर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, दीज एनर्जीज आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। थर्ड, कन्वेंशनल एनर्जी इट इज नॉट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम नेचर। वो एक ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले बन के तैयार हो चुकी है, अपन बार बार उसको नहीं बना सकते हैं। बट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम नेचर, वो मिलते ही रहता है जब तक धरती है, जब तक यूनिवर्स है, जब तक सन है, तब तक वो एनर्जी अपने को मिलेगी। रिप्लीशमेंट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज मीन बाय रिप्लीशमेंट? देखो एक एग्जांपल लेंगे अपन, थर्मल पावर प्लांट। कोल इज बर्न, अगर कोल बर्न हो रहा है तो उसका ऐश फॉर्म होगा, उसका कोल में फिर से रूपांतर होगा क्या? नहीं। लेकिन रिप्लीशमेंट इज पॉसिबल इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में वो पॉसिबल है। कैसे? अगर समझो हाइड्रो पावर प्लांट पकड़े अपन, तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो पानी टर्बाइन घुमाने के लिए यूज होता है, वही पानी हिली एरिया से नीचे आके एग्रीकल्चर के लिए, वाटर पार्क के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, सो मेनी अदर पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद भी अपन रेडिएंट के यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नीड लॉन्ग पीरियड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म। इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन इट रिसीव फ्रॉम नेचर अबंडेंटली, वो हमेशा अपने को मिलती ही रहती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इट इज प्रीशियस हेंस कॉस्टली। वो क्या प्रीशियस है? कोई भी चीज प्रीशियस कब होती है? जब वो बहुत कम होती है अपने पास, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं और इसीलिए वो क्या है, कॉस्टली है। इट इज फ्री फ्रॉम नेचर। ये सभी एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी अपने को क्या मिलती है, नेचर से फ्री मिल रही है। तो एक डिस्टर्ब इको साइकिल को कन्वेंशनल एनर्जी क्या कर रही है, इको साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है। बट इट डजंट डिस्टर्ब इको साइकिल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इको साइकिल को डिस्टर्ब करती है क्या? नहीं, उल्टा बढ़ाती है अच्छे तरीके से। कन्वेंशनल एनर्जी जनरेट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कन्वेंशनल एनर्जी क्या कर रही है? प्रोड्यूस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके अपन ये देखते हैं एसिड रेन वगैरह। ठीक है, देन इट डजंट जनरेट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी करती है क्या जनरेट ग्रीन हाउस इफेक्ट? नहीं करती है। देन इट प्रोड्यूसेस बल्क पावर, दिस इज द एडवांटेज है। ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी का क्या है एडवांटेज है कि वो बल्क पावर मतलब जितनी जरूरत है अपने को उतनी पावर वो क्या कर सकते हैं अपन कन्वेंशनल सिस्टम से, एनर्जी सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं। बट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में लिटिल पावर
जनरेट होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। तो बेसिकली बहुत बार ये कन्वेंशनल पावर प्लांट्स यूज एज ए बेस लोड पावर प्लांट के रूप में यूज किए जाते हैं बेस लोड के लिए, और ये नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट ओनली स्मॉल पावर जनरेशन की वजह से और वेरिएबल लोड की वजह से पीक लोड के लिए यूज किए जाते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस कांस्टेंट लोड, ये क्या करेगा, कन्वेंशनल एनर्जी जितनी जरूरत है जितने डिमांड है उतना रेट से कांस्टेंट लोड जनरेट कर सकता है। बट इट प्रोड्यूसेस वेरिएबल लोड, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या कर रही है, वेरिएबल लोड मतलब कम ज़्यादा करेगी। कम ज़्यादा क्यों करेगी, कि सन की एनर्जी रिक्वायर्ड है सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन रोज सन उतनी ही इमिट उतनी ही उतनी ही रेडिएशन वही फ्रिक्वेंसी से ये करेगा क्या, इमिट करेगा क्या, नहीं। वाइंड कभी उसकी स्पीड कम होगी कभी ज़्यादा होगी। हाइड्रो इन रेनी सीजन इट अबंडेंट बट इन समर इट इज लेस, तो इसी वजह से वो वेरिएबल लोड अपने को देगा। देन आफ्टर ट्राई टू मिनिमाइज द पोल्यूशन, ये जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है या कन्वेंशनल एनर्जी है ये बहुत क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अभी रिसर्च चालू है कि मिनिमाइज द पोल्यूशन, जो अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है तो उसका पोल्यूशन क्या करते जाए, वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर लगा के कम करने चाहिए। देन रिसर्च अंडर डेवलपमेंट, रिसर्च इज अंडर डेवलपमेंट इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। व्हाई, क्योंकि दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सिस्टम लगता है इंस्टॉलेशन का, इट इज टू कॉस्टली, एंड इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी रिसर्च चालू है। तो यह एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।